24 और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। बिहार में मौजूदा हालात जिस तरह से हुए हैं इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है, उनके परिवार की मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लगातार ईडी और सीबीआई के छापे से माहौल जो है वो काफी गमगीन बना हुआ है। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है SM हसन, जो कि मदरसा बोर्ड के एक्स चेयरमैन भी रहे हैं और साथ ही आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा हालात को लेकर उनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू सर। मौजूदा हालात जिस तरह से बने हुए हैं और लगातार जो है छापेमारी का दौर जारी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुश्किलें तेजस्वी यादव या लालू परिवार की नहीं बढ़ी है जी, मुश्किलें बीजेपी की बढ़ी है। वजह यह है कि अभी एक सर्वे आया है, आज से एक महीना पहले एक सर्वे आया था पार्लियामेंट्री चुनाव को लेकर, जिसमें सर्वे में बिहार में बीजेपी को कोई सीट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इससे बीजेपी की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। तो बीजेपी ने अब ये लक्ष्य बनाया है कि किसी तरह से भी लालू को, लालू परिवार को, राष्ट्रीय जनता दल को या यहाँ बिहार में जो महागठबंधन है जिसमें 7 दल शामिल है, इनको किसी तरह से डिस्टर्ब करना है। लेकिन बिहार की आवाम देख रही है कि लालू यादव की क्या भूमिका बिहार में रही है, लालू यादव किस तरह से लोगों को उत्थान में काम किया है या लालू यादव को किस तरह से मुकदमे में फंसाया गया है, इस जनता पूरी तरह से जान रही है। हर तरह से जनता को समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए CBI और ED के रेट से लालू यादव या लालू परिवार को या महागठबंधन को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो भी नुकसान होगा बीजेपी को उठाना है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है, जनता भलीभांति इस बात को समझ रही है। जी, अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और लगातार विपक्ष जो है वो अब मांग कर रही है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस अपराध में तेजस्वी यादव से इस्तीफा आखिर क्यों मांगा जा रहा है? आपने देखा, नारायण राणा पर काफी गंभीर आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग का, जब ये बीजेपी में शामिल हुए उनकी बात खत्म हो गई। वह तमाम असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन पर गंभीर आरोप था जब तक वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए बात खत्म हो गई। तो जो लोग भी बीजेपी में जाते हैं, येदियुरप्पा आज कर्नाटक में येदियुरप्पा इनके सब कुछ बने हुए हैं, उन पर क्या गंभीर चार्जेस रहा है? अभी आप देखा होगा कर्नाटक में एक विधायक का बेटा 40 लाख रुपया घूस लेते हुए पकड़ाया और 8 करोड़ रुपया उनके यहाँ से कैश बरामद हुआ, लेकिन उनको अंतिम जमानत मिल गया। तेजस्वी यादव पर कौन सा आरोप है? जो आरोप इन्होंने मनगढ़ंत बनाया है, जिस पर चार्जशीट किया है, उसमें ऑलरेडी बेल आउट है, इनको इस्तीफा की मांग करने का क्या सवाल है? सर, विपक्ष लगातार ये हमला कर रही है कि इतने कम उम्र में जितनी ज्यादा संपत्ति के वो मालिक हो चुके हैं, और प्लस हाल के दिनों में जो 10 मार्च को जो घटनाएं हुई, छापेमारी हुई और दिल्ली स्थित आवास को लेकर चर्चा हो रही है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए के वो आवास हैं, और तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए कि वो 4 लाख रुपए के हैं, जिस पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जमीन और मकान का वैल्यूएशन डे टू डे बढ़ता जा रहा है। जी, आज से 10 साल पहले पटने में जिस जमीन की कीमत थी 1 लाख रुपये कट्ठा, आज जाइएगा 40 लाख रुपये, 30 लाख रुपये कट्ठा हो जाएगा, तो वैल्यूएशन बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कब उस जमीन या मकान खरीदा उसको नहीं जानकारी है, लेकिन तेजस्वी यादव के यहाँ जो वर्तमान रेट हुआ है उस पर किसी तरह का कोई अगर चीज सामने आई है, CBI ने किसी चीज को सीज किया है, तो सीजर लिस्ट तो CBI को देना चाहिए था, ED वालों को सीजर लिस्ट तो देना चाहिए था प्रेस को, कि भाई पूरी दुनिया देख ले कि हाँ इनके यहाँ से क्या बरामद हुआ। अभी तक तो ED ने कोई लिस्ट जारी नहीं किया है, एक मामला। दूसरा है कि जो आरोप है, आरोप का जवाब दिया जाएगा, जनता जवाब देगी जी, कि इतने कम उम्र में इतने ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं, प्लस लगातार आरोप लगे कि नौकरी के बदले जो पैसे उनके पिता जी लालू प्रसाद यादव के, आरोप लगाना तो साधारण बात है जी, हम लोग कहीं किसी पर बैठ के आरोप लगा देते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद वो अपनी सभा में कहते हैं कि मैं चाय बेचता था जी। और एक एक सूट पहनते हैं 10-10 लाख का,
उनके हाथ में जो घड़ी है 12 लाख की घड़ी है, 1.5 लाख का जूता पहनते हैं, उससे तो सवाल पूछना चाहिए था ना। आज तक 8 साल के पीरियड में अभी तक एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रधानमंत्री नहीं कर सके कि लोग सवाल पूछे कि आप चाय बेचने वाले थे, आप इतना कीमती पोशाक जो पहनते हैं वो कहाँ से आ रहा है। सर लेकिन संविधान में तो सैलरी तय है ना कि प्रधानमंत्री को इतना पैसा मिलेगा जी, आपको उसी दायरे में आपको खर्च करना है। सर लेकिन तब के हालात अब के हालात काफी बदल चुके हैं और दायरे बदल चुके हैं, कहीं ना कहीं ओहदा बदल चुका है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं यादव के पिताजी 77 से पार्लियामेंट में जीते जी, असेंबली जीते, लगातार पद पर रहे हैं, तो आखिर उनको सैलरी मिलता था कि नहीं मिलता था जी। जिनके पास आज जो मामूली चपरासी की नौकरी कर रहे हैं उनके पास भी अपना मकान है, अपनी जायदाद है जी। वो तो एमपी मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, मां चीफ मिनिस्टर रही, आखिर उनका सैलरी मिलता था कि नहीं मिलता था जी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी की उन्होंने नौकरी के बदले जो है लोगों, ये आरोप है, जमीन आरोप किसी पर कोई लगा सकता है, ये आरोप है। रामविलास जी ने जितनी रेलवे में नौकरी बांटी कोई चीज से छुपा हुआ है क्या? सब लोग जानते हैं कैसे लोगों को नौकरी मिला, किन लोगों को। आप अगर सर्वे करा लिए रामविलास जी के पीरियड में जितने लोग ये बहाल हुए हैं उसमें 30-40% सिर्फ उनके संसदीय क्षेत्र के लोग हो गए, सर्वे करा लीजिए कि उनको लेकर इस तरह की बातें सामने नहीं आई और इनकी बातें जो है इनको टारगेट करना था जी। आप 8 साल में आज तक ये फैसला नहीं कर पाए, 8 साल से इनकी हुकूमत है ना, कि लालू यादव चोर है कि नहीं है। लालू यादव ने नौकरी के बदले, पैसा के बदले जो नौकरी दिया उसको आप साबित कर पाए? 8 साल तो हो गया जी। अमित शाह का जो दौरा है वो बिहार में काफी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन सरकार का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। और आप दौरा से अंदाज कर सकते हैं कि बीजेपी की बेचैनी कितनी बढ़ गई है। अमित शाह जैसे व्यस्त आदमी पूरे देश के मिनिस्टर हैं और भी गृह विभाग के सबसे इम्पोर्टेंट विभाग होता है गृह विभाग, उसके मिनिस्टर हैं और 4 बार 3 महीना में बिहार आ गए, तो उनकी आप बेचैनी को समझ सकते हैं। तो मतलब आप कहते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाहट है, जिस ये बीजेपी की बौखलाहट है। सर्वे के रिपोर्ट के बाद बीजेपी आपा खो बैठी है, वो किसी तरह से भी बिहार को डिस्टर्ब करना चाहती है महागठबंधन, उससे कुछ होने वाला नहीं जी। उनके सारे प्रयासों के बाद भी महागठबंधन मजबूती से है और 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप जीतेंगे। सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखा रही है वैसे भी कहीं ना कहीं। सर जिस तरह से छापेमारी हुई और उसमें उनकी बहू जो है वो काफी ज्यादा उसमें परेशान हुई, वैसे हालात के बीच देखिए भाजपा नारा देती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के उत्थान के लिए, अभी तो 8 मार्च को था महिला सशक्तिकरण दिवस जी, था जी, और आप देख रहे हैं कि क्या युवा उनके साथ प्रेग्नेंट लेडी को 15 घंटा तक बैठा के रखा गया जी। ये मानवीय दृष्टिकोण से भी आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जुर्म है। तो आगे मतलब क्या लगता है किस तरह से आरजेडी जो है वो लोगों के बीच मतलब और बड़े पैमाने पर निखर कर आएगी और क्या? लोगों का सिंपैथी बढ़ता जा रहा है, जितना रेड उनका होगा सिंपैथी बढ़ता जाएगा, लोग देख रहे हैं नंगी आंखों से, ईडी क्या किसे नहीं देख रहे हैं, नंगी आंखों से लोग देख रहे हैं कि तेजस्वी क्या कर रहे हैं, लालू यादव ने क्या किया था, राबी देवी ने क्या किया था जी। सबके जहन में ये सवाल जरूर होगा। चलते चलते हम अगले सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो हस्तांतरित कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे में उम्मीद ज्यादा लोगों की बढ़ गई है और उसके बाद छापेमारी का दौर, तो कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे ऐसे में तेजस्वी? देखिए ये तो तेजस्वी यादव ने अपने बयान में पूर्णिया में कहा था उसको कोई जल्दी नहीं है जी, और नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है या हमको कोई लालच नहीं है, ये अपना कर्म कर रहे हैं, फल की बात तो फिर जनता तय करेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम यूं ही चर्चा करते रहेंगे, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ।